किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम नीम ऑयल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। हम जानेंगे कि नीम ऑयल का स्प्रे हमें अपनी फसलों पर, क्योंकि जो नीम ऑयल है अलग अलग पीपीएम में आता है, तो किस पीपीएम का कब स्प्रे हमें करना चाहिए, कौन सा पीपीएम का लेना चाहिए, किस कीट के लिए, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, इसके कॉम्बिनेशन हम किसके साथ कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे केमिकल फंजीसाइड हैं उनके साथ भी हम जो हमारा नीम ऑयल है उसको मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और भी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि हम पीपीएम की बात करें तो जो नीम ऑयल है वो हमें लगभग 300 ppm से और हमें वो लगभग 50,000 ppm तक देखने को मिल जाता है, लेकिन हम एग्रीकल्चर में जो यूज करते हैं वो कम से कम 1,000 या 1,500 ppm का ही यूज करते हैं, उससे कम ppm का हम खेती के लिए यूज नहीं करते हैं, और उससे ऊपर आप 50,000 ppm तक जा सकते हैं। जैसे जैसे इसका ppm बढ़ता है तो इतना ही इसका जो रेट है यानी कि प्राइस है वो भी बढ़ते रहते हैं, यानी कि ज़्यादा ppm का लेंगे तो ज़्यादा प्राइस मिलेगा, मतलब एक्सपेंसिव हो जाएगा, और कम ppm का लेते हैं तो उतना ही आपको सस्ता पड़ेगा। देखिए, नीम ऑयल के अंदर यदि हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर अजादी रेक्टिन नामक तत्व होता है। अजादी रेक्टिन जो तत्व होता है यही हमारी फसलों पर जो इंसेक्ट हैं उनको कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। आप नीम ऑयल जानते हैं कि वो नीम की निवोली से बनाया जाता है, यानी कि नीम कौड़ी से निकाला जाता है, और उसके अंदर नीम की जो निवोली होती है उनमें भी अजादी रिएक्टिन नामक तत्व होता है, तो उससे नीम ऑयल को निकाल करके और इसको हम फसलों में उपयोग करते हैं। केवल जो इसके अंदर अजादी रिएक्टिन नामक तत्व है वही कीटों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव पाया गया है, तो इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए, जो पीपीएम होते हैं वो अजादी रिएक्टिन तत्व को ही दर्शाते हैं, यानी कि मान लीजिए आप 1000 ppm का कोई नीम ऑयल लेते हैं तो उसका मतलब है कि उसके अंदर जो अजादी रिएक्टिन नामक तत्व है वो होगा 0.1% आपको देखने को मिलेगा, और यदि आप 2000 ppm का नीम ऑयल लेते हैं तो 0.2% जो अजादी रिएक्टिन नामक तत्व है वो उसमें मिला होगा। यदि आप 3000 ppm का लेते हैं तो उसमें 0.3% जो अजादी रिएक्टिन नामक तत्व है वो मिला होगा, और यदि आप मान लीजिए 10,000 ppm का लेते हैं तो उसमें 1% जो हमारा अजादी रिएक्टिंग नामक तत्व है वो हमें देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप 20,000 का लेते हैं तो 2%, 30,000 का लेते हैं तो 3% अजादी रिएक्टिंग नामक तत्व देखने को मिलेगा, और यदि आप 50,000 ppm का लेते हैं तो 5% आपको अजादी रिएक्टिंग नामक तत्व देखने को मिलेगा। तो जितना हाई डोज हाई ppm का लेते हैं उतनी ही ज़्यादा जो उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो अजादी रिएक्टिंग नामक तत्व है उसकी डोज उतनी हाई होती चली जाती है और उतना ही ज़्यादा वो प्रभावशाली होता जाता है कीटों को ख़त्म करने के लिए। तो देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं नीम ऑयल के स्प्रे के। देखिए, नीम ऑयल जो है वो 100% ऑर्गेनिक है, तो इसके हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे करने से आपकी फसलों में हर तरह का कीट कंट्रोल होता है। ये लगभग 200 प्रकार के कीटों को कंट्रोल करता है। आपकी फसलों में थ्रिप्स है, एफिड्स है, वाइट फ्लाई है, माइट्स है, कोई भी कीट है, कोई भी इल्ली का अटैक है, फल छेदक का है, तना छेदक का है, किसी भी कीट का अटैक है, तो आप बेझिझक आँख बंद करके नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ये सभी तरह के इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, तो ये इसकी खास बात होती है। और उसके साथ साथ देखिए, जो नीम ऑयल होता है ये एडल्ट को तो कंट्रोल करता है, इसके अंदर लार्विसाइडल एक्शन भी होता है यानी कि लार्वा को भी कंट्रोल करता है, और एगी यानी कि ओविसाइडल एक्शन भी होता है यानी कि जो अंडे हैं कीट के उनको भी नष्ट करता है, तो अंडों को भी ख़त्म कर देगा, लार्वा को भी ख़त्म कर देगा और कीट के एडल्ट को भी ख़त्म कर देता है, यानी कि हर स्टेज में जो कीट है उसको ये ख़त्म करने का काम करता है। देखिए, नीम ऑयल का यदि आप लगातार भी स्प्रे करते रहते हैं तो इसमें एक हमें जो अच्छी बात है नीम ऑयल की वो ये देखने को मिलती है कि कीटों में कीट जो है जो नीम ऑयल के प्रति रेजिस्टेंस पावर डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो आप इसका लगातार स्प्रे करते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं आती है, कीट इसके प्रति रेजिस्टेंस पावर डेवलप नहीं कर पाएंगे। वहीं पर यदि आप रासायनिक केमिकल का 2 से ज़्यादा बार स्प्रे करते हैं एक फसल पर तो कीटों में रेजिस्टेंस डेवलप होने लगती है, तो ये खास बात होती है जो हम नीम ऑयल का उपयोग करते हैं उसकी। उसके साथ साथ देखिए, नीम ऑयल जो है वो हमारी फसल पर जो फंगस की ग्रोथ है उसको भी बढ़ने से रोकता है, यानी कि जो फंगस है वो भी हमारी फसलों पर ग्रोथ नहीं कर पाती है जब हम नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। आप जानते हैं कोई भी तेल होता है वो फंगस की मतलब डेवलपमेंट को रोकता है। हमारी माताएं बहनें घरों में अचार डालती हैं तो अचार में को वो क्या है कि तेल में जो हमारा सरसों का तेल है उसमें डुबो कर रखती हैं, क्योंकि तेल क्या है
उसमें जो फंगस है फंगस का अटैक नहीं होने देता है, और जैसे यदि वो तेल से नहीं डूबा हुआ होता है जो अचार होता है तो उसमें फंगस लगने लग जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कोई भी ऑयल है वो जो हमारी फंगस है फंगस को भी बढ़ने से रोकता है, यानी कि उसकी भी ग्रोथ में वो बाधा बनता है जिससे हमारी फसलों में रोग भी नहीं आते हैं। तो नीम ऑयल का आप स्प्रे करते हैं इंसेक्ट भी कंट्रोल होंगे और आपकी फसलों में जो रोग हैं जो फंगस है वो भी कंट्रोल होगी। और देखिए ये अच्छा नेमेटिसाइड भी है, यानी कि जो नेमाटोड्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है, यानी कि यदि आपकी फसलों में नेमाटोड्स का अटैक है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप नीम की खली का उपयोग करें या नीम ऑयल का भी आप ड्रिंच कर सकते हैं। नीम की खली के अंदर भी क्योंकि नीम ऑयल का कंटेंट होता है तो वो भी अच्छे से जो हमारा नेमाटोड्स है उसको बढ़ने से रोकता है, या आप नीम ऑयल का भी ड्रिंच करते हैं तो नेमाटोड्स की ग्रोथ को ये काफ़ी ज़्यादा रोकता है, यानी कि उनकी जो ग्रोथ है उसमें ये बाधा पैदा करता है। तो ये नेमाटोड्स को भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव है, हमारी फंगस को भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव है, और हमारे जो सकिंग पेस्ट है या किसी भी तरीके का पेस्ट है चबाने वाले कीट है उनको भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। अब देखिए मान लीजिए आपकी फसलों में सकिंग पेस्ट का अटैक है तो आप कम PPM का भी स्प्रे करते हैं तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। मान लीजिए 2000-3000 PPM का या 10000 PPM का आप ले लेते हैं सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो आसानी से कंट्रोल हो जाता है। देखिए यदि आपने 2000 PPM का लिया है या 1500 PPM का लिया है तो उसकी हमें 5 से 6 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। यदि आपके पास 10000 PPM का नीम ऑयल है तो उसकी हम 2 से 3 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करना होता है। और देखिए यदि आपकी फसलों में जो फल छेदक तना छेदक या इल्लियों का अटैक है तो जो हमें हाई PPM का है लगभग 50000 PPM का यदि आप स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसको कंट्रोल करने में, क्योंकि कम जो PPM का नीम ऑयल होता है वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है बड़े कीटों के खिलाफ। तो यदि आप 50000 PPM का लगभग 2 ml पर लीटर से मात्रा में मिलाकर पर लीटर पानी में मिलाकर आप उसका स्प्रे करते हैं 50000 PPM का तो आपकी फसलों पर जो बड़े कीट हैं जैसे इल्लियां हैं फल छेदक हैं तना छेदक हैं वो भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। और एक हफ्ते के अंतर से दो या तीन स्प्रे आप ले लें तो अच्छे से ये हर कीट को कंट्रोल कर देता है आपकी फसल पर और कोई भी इसके साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं, 100% ये ऑर्गेनिक है। यदि हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें कि हम इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ करें किसके साथ ना करें, तो देखिए जितने भी हमारे केमिकल फंजीसाइड हैं, मान लीजिए कोई भी आप फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो किसी के भी साथ आप नीम ऑयल को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, जैसे हमारा मैनकोजेब है कार्बेंडाजिम है या और भी जो भी फंजीसाइड है उनके साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और यदि आप इंसेक्टिसाइड के साथ भी मिक्स करना चाहते हैं तो किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ ये कंपेटेबल है, आप इसको मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं तो उसके जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। केवल आपको इसको जो मिक्स नहीं करना है, एक तो देखिए स्यूडोमोनास के साथ मिक्स नहीं करना है या जो हमारा ट्राइकोडर्मा है उसके साथ मिक्स नहीं करना है, क्योंकि स्यूडोमोनास क्या है एक फंगस है, लाभदायक फंगस है। तो यदि हम उसके साथ जो हमारा नीम ऑयल है उसको मिलाते हैं तो ऑयल क्या करता है फंगस की ग्रोथ में बाधा बनता है। तो यदि हम स्यूडोमोनास के साथ मिलाएंगे ट्राइकोडर्मा के साथ मिलाएंगे तो उसके ग्रोथ में ये बाधा बनेगा, उसको अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो यदि आप स्यूडोमोनास का कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा का क्या कर रहे हैं या मेटेराइजम एनिसोपली जो इंसेक्टिसाइड है जो फंगस आधारित हमारा जैविक इंसेक्टिसाइड है उसका भी उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप ना मिलाएं, यानी कि जो भी फंगस आधारित या बैक्टीरिया आधारित जो हमारे मित्र यानी कि जैविक जो हमारे इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड है उनके साथ आप नीम ऑयल का कॉम्बिनेशन ना करें, क्योंकि ये नीम ऑयल उनकी ग्रोथ में बाधा बनेगा, वो अच्छे से फिर हमारी फसलों पर काम नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।